हम मैं आपको ऊपर छोड़ता चर्चा कर रहे थे तो ये निकल कर आया कि बीजेपी को एक मेजर गेन हुआ है इसका, एक राष्ट्रवाद का मुद्दा, पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट ने आपकी मदद की। जिनको सुन लीजिए जिनको मोदी जी के कार्यों से नफरत है वो इस तरह की बातें करते हैं। अरे गजब कर दिया आपने, क्योंकि उनको मोदी जी को नहीं, उनके कार्यों के प्रति वो नहीं था। हाँ। हमने डेवलपमेंट जो किया उस समय उसका हमको परिणाम नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसी तरह मैं अभी भी कह रहा हूँ, इस बार भी हम जीतेंगे तो एक बहाना बना लेंगे आप लोग कि राम मंदिर था, ये था, भावनात्मक मुद्दे थे। चर्चा करने के लिए बैठे शर्मा जी, मैं वो आप ही लोग कोई लेना देना नहीं है। छोड़िए, मैं नहीं आ रहा, मैं अपने मैं विषय पे आ रहा हूँ। फिर आपको पुलवामा की बात नहीं करनी थी मैडम, फिर किसी आपका वो नहीं था तो दूसरे की बात क्यों लेकर क्यों अपने चैनल में खड़ी हैं आप? इसमें आइए, गहलोत सरकार ने इसी तरह से 5 साल तक क्या बहाने दिए, रोजगारों को भत्ता देंगे 3500 रुपया पर महीना, क्या क्या बड़े बड़े गारंटी दिए, क्या हुआ जनता में? इसी गहलोत सरकार को हराया। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में झूठ बोलते फिरे, विज्ञापन बांटते फिरे कि गोबर से जो है लोग एम्बेसडर कार खरीद ले रहे हैं गोबर बेच के, ये इसी तरह की झूठ, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, इनको ये भत्ता दे देंगे, ये किसी की गारंटी को इस देश की जनता ने नहीं माना। इसलिए क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, पर्याय है, सबको पता है, ठीक है। कि वो मैं एक बार आप उसको आप आदमी पार्टी के भी मैं दूसरा हर चीज में भ्रष्टाचार दो गेस्ट में उनके पास अभी तक नहीं गई, इनको इन्होंने आरोप लगाए तो मुझे उत्तर तो देने दीजिए। अरे आप भी तो दे दीजिए कि पीडीपी की महबूबा मुफ्ती क्यों छिटक गई आपसे। उमर अब्दुल्ला खुद हमला बोल रहे हैं लालू प्रसाद यादव के ऊपर, ये क्या चल रहा है, कैसे कोई आपकी गारंटी पर विश्वास करे? आपने नहीं देखिए, इन्होंने राजस्थान की बात की, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि कर्नाटक के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी हारी थी तो कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस की गारंटियों पर विश्वास किया ना। हिमाचल प्रदेश में जो आप हारे या तेलंगाना में आप हारे तो आपकी गारंटियों को खारिज किया ना जनता ने। तो ये लोकतंत्र प्रणाली है, इसमें दो चार राज्य आप गिनाएंगे आप गलत में नहीं है छापरा साहब, जहां गारंटी पर नहीं, हमने गारंटी देके बात नहीं की थी, गारंटियों को एक्सेप्ट किया है तो ये लोग ठीक है, इसको हम स्वीकारते हैं कि कुछ कमियों के कारण हम हारे हैं, लेकिन गारंटियों के कारण नहीं। लेकिन आपने गारंटी दी है जो हमें जिसका भी परिणाम देगा, बहुत खराब रहा मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, तो बीच में बोला जाता है जी, झूठ पकड़ा जाता है तो बीच में बोलते हैं भाई। मैं बता रहा हूँ ना, अगर बीच में नहीं बोला जाता, मैं आपको बता दिया कि गलत फहमी में बोल रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए हिमाचल में हमने क्या गारंटी दी थी? बीच में मत बोलिए, आप मुझे एक गारंटी बता दिए ना, शांत रहिए आप, गारंटी शांत रहिए ना भाई, झूठ क्यों बोल रहे हैं बैठ के? ऐसे कोई फायदा नहीं दीजिए, डिबेट खराब कर रही आपको। महिला दिन एक गारंटी हमने महिला दिन के अवसर पर कम से कम शोभना जी की सुन लो यार। अच्छा चलिए मैं आप दोनों के पास आऊंगी, लेकिन आप मुझे आदिल खान का रुख करना जरूरी है। मैं आऊंगी आपके पास आदिल खान, आम आदमी पार्टी के। देखिए किसकी गारंटी पर जनता विश्वास करे, हर एक कोई तो फ्री की योजनाएं बता रहा है, कोई नौकरी दे रहा है, कोई अनाज दे रहा है, कोई तेल दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई बिजली दे रहा है, किस पर जनता यकीन करे? आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, आपने एक सहमति भी बना ली, हालांकि पंजाब में आप अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन आपको क्यों जनता वोट दे, ये सवाल तो उठता ना। देखिए उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं, महबूबा मुफ्ती ने छोड़ दिया इंडिया गठबंधन। शोभना जी आपको और आपके सभी दर्शकों को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी बात भी यहीं से शुरू करूंगा कि आज महिला दिवस है। मोदी जी ने 2014 और 2019 के इलेक्शन में महिलाओं के सम्मान की गारंटी दी, पर आज जिस तरीके से देश के अंदर महिलाओं पर अत्याचार और जुल्म हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद किस तरीके से महिला खिलाड़ियों के अत्याचार करते हैं, किस तरीके से दुर्व्यवहार करते हैं, ये जग जाहिर है। तो पहली ही गारंटी आज महिला दिवस पर भारतीय जनता पार्टी की फेल होती हुई साफ नजर आ रही है। दूसरा, 2014 और 19 में इस देश की जनता से वादा किया गया था कि हम महंगाई कम करेंगे, आज देश के अंदर 35 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है। 35 रुपए में पेट्रोल और डीजल देने का वादा किया गया था, आज 100 के पार है। 350 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का वादा मोदी जी द्वारा किया गया था, आज 1000 के पार है। इसी देश के अंदर यह वादा किया गया था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर है। 18 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था, वो क्यों नहीं मिली? किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया गया था, और होता क्या है कि एक साल तक इस देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा रहता है,
750 किसानों को मार दिया जाता है। अरे आदिल खान, जब इतनी सारी मुसीबतें हैं आप जैसा कि प्रेजेंट कर रहे हैं और कांग्रेस के सापरा साहब भी प्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक अच्छा मौका था ना। लेकिन 8 महीने, जून में आपका गठबंधन बना था जो आज तक मुकम्मल नहीं हो पाया। आज आप सीट शेयरिंग नहीं तय कर पा रहे, सीटों के लिए लड़ रहे, कल आप कुर्सी के लिए लड़ेंगे। जनता भरोसा करे तो कैसे करे, कैसे आपकी गारंटी को माने? नहीं, जनता देखिए, जनता भरोसा कर रही है और इसी वजह से आज दिल्ली के अंदर 3-3 बार अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत दिल्ली की जनता ने दिया है। यह भरोसा ही है ना कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने जो जो वादे किए, सीट नहीं आई थी दिल्ली से। इस बार दिल्ली के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगने जाएंगे तो ये जो सारे वादे, इन्होंने जो सारी गारंटियां करने का वादा किया था, इसको दिल्ली की जनता इनसे पूछेगी। और एक बात और, इनको ये पता है कि दिल्ली से साफ होने जा रहे हैं, इसी वजह से अपने सारे कैंडिडेट हटा दिए। आदिल खान साहब वही कैंडिडेट थे जो जनता से झूठ बोलकर आए थे। अब ये किस मुंह को लेकर जाएंगे? यही तो समझना पड़ेगा ना कि ये विधानसभा का चुनाव नहीं है। जिस जीत को आप इतनी बार गाते हैं, इतनी बार कहते हैं, वो विधानसभा में हुई थी। लोकसभा की का चुनाव है इस समय, और पंजाब में जो हो रहा है गठबंधन अलग अलग, मतलब कांग्रेस और आप वहाँ अलग अलग लड़ रहे हैं, यहाँ आप साथ लड़ रहे हैं। यही तो जनता के बीच में कन्फ्यूजन है। धीरेन्द्र कुमार, देखिए यही तो हम आपको, आप पूरी चर्चा सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि लोकसभा का यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी देश की जनता से झूठ बोल रहे हैं, वो आज देश की जनता बहुत कायदे से समझ रही है। रही बात गठबंधन की, तो दिल्ली के अंदर हमारा गठबंधन हो चुका है। कांग्रेस पार्टी अभी 1-2 दिन में अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने जा रही है। पंजाब के अंदर पंजाब के हित को देखते हुए हमने और इंडिया अलायंस ने बैठकर यह फैसला किया है कि हम लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और इनके घमंड को इस देश के लोग, 140 करोड़ लोग इंडिया के साथ। हर बार विधानसभा लोकसभा चुनाव बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं आगे पीछे। विधानसभा में आप भले ही अच्छा कर लेते हैं, लेकिन लोकसभा में नहीं उतना साफ अच्छा कर पाते। लेकिन चलिए ठीक है, आप उम्मीद कर रहे हैं और हमारी शुभकामना है। धीरेन्द्र कुमार जी, आइए चर्चा में, अपनी बात रखिए, रिजल्ट का इंतजार करिए। चलिए ठीक है, धीरेन्द्र कुमार जी को मौका दीजिए। मोदी जी का झूठ और भारतीय जनता की पार्टी। शोभना जी, सबसे पहले महिला दिवस की आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देश की सभी माता बहनों को बधाई। अभी सपरा साहब को भी सुन रहा था, आम आदमी को भी सुन रहा था। सबसे पहले देशवासियों को तो ये बताएं ना कि इकट्ठे रह लेंगे, इसी की गारंटी दे दें। देश में काम क्या करेंगे नहीं करेंगे ये तो दूसरी गारंटी है। पहली गारंटी पूरा नहीं कर रहे हैं कि गठबंधन एक एक करके टूट रहा है। आप एक अस्थाई सरकार देने की स्थिति में नहीं है, वहां देशवासियों को आप क्या देने की गारंटी कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, अभी देखिए आज ही के दिन केजरीवाल जी को मैं सुन रहा था, शोभना जी, उन्होंने कहा कि मैं अकेले लड़ रहा हूं। अरे भाई, आप कहाँ अकेले लड़ रहे हो, आप तो कांग्रेस का साथ ले रहे हो। जिसके सोनिया गांधी जी को आपने कहा था कि ईडी इनको पकड़े, रात भर रखे तो वो बता देंगे कि कहाँ कहाँ घोटाला हुआ है, आज उनके साथ आप लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं खुद अकेला लड़ रहा हूँ। क्या इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं आप बैठ के? और देश में अगर आपके मुद्दे इतने ही अच्छे होते तो अभी 4 चुनाव हुए, उसमें से 3 आपने हारे हैं, और ये वही सारे मुद्दे हैं जो आज आप उठा रहे हैं। तो देश के लोगों को मोदी जी के गारंटी पे भरोसा है। चाहे कितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं, तो उन्होंने जो वादे किए, जो घोषणा पत्र वचन पत्र लाया है एनडीए गठबंधन ने, वो पूरा होता हुआ दिखा है, इसीलिए उन्होंने अगली गारंटी दी है। और देशवासियों को मोदी जी के गारंटी पे भरोसा है। आप लोगों के ऊपर में उनका भरोसा बिल्कुल टूट चुका है। आज महिला दिवस पर मैं कहना चाहता हूं कि जितना मणिपुर के ऊपर में किया था, हम लोगों ने भी माना था, वहां पर गृह मंत्री जी गए थे, लेकिन कम से कम बंगाल में या जहां भी कहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, राजस्थान में हो, सभी हमारी बहनें हैं, सबके ऊपर में एक जैसा तो कम से कम विचार रखिए। आप एक तरफ शुभकामना देते हैं बंगाल के ऊपर में, आप कुछ बोलते नहीं है, आपके नेता वहां जाते नहीं है, एक ट्वीट तक नहीं करते हैं, इसको तो कम से कम बहनों और माताओं के लिए तो मामला आपके ऊपर भी लगता है। Z News।